For good health, please subscribe A1 Healthcare. For better music, subscribe A1 Music. For best informational programs, please subscribe A1 Punjabi TV. And for all updated news, please subscribe A1 News. ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ। ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਬੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦ ਵਿਵੇਕ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿਚ ਕਰੰਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਕਾ? ਵਿਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਹੁਆ, ਕੈਸੇ ਹੁਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ? ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੇ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋ ਸਕੂਲ ਸੇ ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਕਪੜਾ ਵੜਾ ਖੋਲ ਦਿਆ, ਸੋ ਬੋਲਾ ਬੇਟੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾ ਖਾ ਲੇ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਹਾ ਰਹੇ ਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, फिर वो चला गया खेलने वहाँ पे उनके साथ, फिर बारिश हो ही रहा था, फिर वो दोबारा से घर आ रहा था तो साइडों में टेस्ट परमा लगा जिस तरह, तो उसका तार लंगा था, नीचे गिरा था और साइडों में आया था तो मार के ट्रेन रोड बस गिर गया था। फिर मैं गाड़ी से उधर से आ रहा था, फिर मैं जैसे मेरे को मार दिया ट्रेन, उसको लड़के को मैं उठाया अपने, तो मैंने छोड़ा नहीं किरण मारा, फिर मैं लेकर घर पर आकर फिर सीधे शेष उठ रहा है। उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि 10 मिनट और पहले आया तो बच गया था शायद। तो लापरवाही किसकी मानते हो इसमें? लापरवाही तो बिजली विभाग की ऐसे है। अच्छा, इसके लापरवाही से आगे गाय भी दो दो मरी है ना, फिर एक लड़का ही मरा था मेरे ख्याल से। तो कितने साल का था आपका लड़का और क्या नाम था उसका? करीब 6 साल का था, नाम था विवेक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? UKG। तो आपने कोई शिकायत दी है अभी पुलिस को बिजली विभाग के खिलाफ? हाँ, शिकायत दी है। एक मिनट, क्या दोबारा बोलिए? वहाँ बिजली वाले को दिया था शिकायत, फिर आए थे। अच्छा। मेरी गाड़ी में गिरी थी सड़क में करके, टेप मारे सारे तारे नहीं लगा दिए जिस तरह। एक आशियाना कम्प्लेक्स में है, 209 नंबर ग्राउंड फ्लोर पे बच्चा रहता है, 4.5 इसकी उम्र है, 4.5 साल। इसका नाम विवेक है, ये लकोली स्कूल में पढ़ता है। यह स्कूल से इसके फादर ज़्यादा बारिश होने के कारण इसको घर ले आए थे। जब ये आशियाना कम्प्लेक्स में पहुँचे वहाँ पानी अंदर काफ़ी भरा हुआ था, तो पानी भरा होने के कारण इसके फादर और ये दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जब ये बच्चा घर से वापस आया तो ट्रांसफार्मर के साथ एकदम करंट का झटका लगने से इसके फादर भी गिर गए और बच्चा गिर गया। इसके फादर इसको तुरंत इलाज के लिए 6 सेक्टर अस्पताल लेके आए थे, जहां उसको ब्रॉडबैंड डिक्लेयर कर दिया। तो लापरवाही किसकी मानी जा रही है इसमें? हाँ, इसके फादर ने ये कहा है कि हमने पहले ही बिजली विभाग वालों को इस बारे में बताया था, ये तारे नंगी हैं, तो अभी अनुसंधान जारी है, FIR दर्ज कर दी है। 304 पंचकूला तो विनोद शर्मा दे रिपोर्ट। For good health, please subscribe A1 Healthcare. For better music, subscribe A1 Music. For best informational programs, please subscribe A1 Punjabi TV. And for all updated news, please subscribe A1 News.